बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में CPNR ग्रीन सिटी कॉलोनी में एक चोरी हुई थी घर में, जिसमें के 10.5 तुलास तक गोल्ड चोरी होने का इंफॉर्मेशन मिली थी। तो इमिडिएटली तब से उसमें टीम बना दी गई इन्वेस्टिगेशन के लिए और तब से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी आज के दिन हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें जो ऑफेंडर है, को सस्पेक्टेड है, उसने ये ऑफेंस किया है। उसको, उसका नाम है सैयद सोहेल कादरी, उसको पिक किया गया और बाद में इंटरोगेशन में उसने अपना पूरा जुर्म किया, कबूल किया। उसमें बेसिकली ये मालूम हुआ है कि ये वहाँ पे जो इस घर में चोरी हुई वहाँ के पास में ये रहता है और ये डेली मकान मालिक को देखता था कि वो घर को लॉक करके जाते और चाबी वहाँ पर रख के जाते। ये कई दिनों से इसने ऑब्जर्वेशन किया और जब इसने फिर प्लान बनाया कि घर में चोरी करते हैं, तो इसने अपने छोटे लड़के को उसमें साथ में लगाया। लड़के को इसने बताया कि हम ये लोग ऐसे चोरी करेंगे यहाँ पे, ये चाबी वगैरह यहाँ पे है। तो उसमें इसने, इसका जो लड़का है छोटा जुवेनाइल है, उसने इस वारदात को अंजाम दिया और चोरी के बाद यहाँ पे जितना भी इन्होंने गोल्ड चोरी किया 10.5 तोला, वो इन्होंने आगे जाके दुकानों पर रिसीवर्स को कुछ को बेच दिया। वो पूरी तरह से रिकवरी किया गया है। अभी इसमें टोटल रिकवरी 10.5 तोला की है गोल्ड की, ओके। और इसके साथ में जो पर्सन है सैयद सोहेल कादरी, है इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वैसे इसका लड़का है वो भी जुवेनाइल है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में CPNR ग्रीन सिटी कॉलोनी में एक चोरी हुई थी घर में, जिसमें के 10.5 तुलास तक गोल्ड चोरी होने का इंफॉर्मेशन मिली थी। तो इमिडिएटली तब से उसमें टीम बना दी गई इन्वेस्टिगेशन के लिए और तब से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी आज के दिन हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें जो ऑफेंडर है, को सस्पेक्टेड है, उसने ये ऑफेंस किया है। उसको, उसका नाम है सैयद सोहेल कादरी, उसको पिक किया गया और बाद में इंटरोगेशन में उसने अपना पूरा जुर्म किया, कबूल किया। उसमें बेसिकली ये मालूम हुआ है कि ये वहाँ पर जो इस घर में चोरी हुई वहाँ के पास में ये रहता है और ये डेली मकान मालिक को देखता था कि वो घर को लॉक करके जाते और चाबी वहाँ पे रख के जाते। ये कई दिनों से इसने ऑब्जर्वेशन किया और जब इसने फिर प्लान बनाया कि घर में चोरी करते हैं, तो इसने अपने छोटे लड़के को उसमें साथ में लगाया। लड़के को इसने बताया कि हम ये लोग ऐसे चोरी करेंगे यहाँ पे, ये चाबी वगैरह यहाँ पे है। तो उसमें इसने, इसका जो लड़का है छोटा जुवेनाइल है, उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और चोरी के बाद यहाँ पे जितना भी इन्होंने गोल्ड चोरी किया 10.5 तोला, वो इन्होंने आगे जाके दुकानों पे रिसीवर्स को कुछ को बेच दिया। वो पूरी तरह से रिकवरी किया गया है। अभी इसमें टोटल रिकवरी 10.5 तोला की है गोल्ड की, ओके। और इसके साथ में जो पर्सन है सैयद सोहेल कादरी, है इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वैसे इसका लड़का है वो भी जुवेनाइल है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। सर, इसके ऊपर कुछ केसेस है पुराने? पुराना केसेस अभी तक हमारी नज़र में कोई नहीं आया है, लेकिन आगे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ होता है तो वो भी आगे इंक्लूड करेंगे उसमें। सर, ये लोकल है या? लोकल है, वहीं पर पास में ही रहता है, कार ड्राइवर है एक्चुअली। टोटल कितने थे? दो ही थे, फादर और इसका बेटा। डॉक्टर सैयद हेल्थ सेंटर, क्या आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो आप फिक्र मत करिए, क्योंकि डॉक्टर सैयद जो बेहतरीन एलोपैथी प्रैक्टिस और खानदानी हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज जैसे शुगर, पाइल्स यानी बवासीर, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, सेक्स प्रॉब्लम्स, लिकोरिया, लिवर डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस, किडनी स्टोन, किडनी फेल, हेयर फॉल या कोई भी जनरल अमराज का कम्प्लीट क्योर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फौरी डॉक्टर सैयद से रब पैदा करें और कम से कम अखराजात में इलाज का फायदा उठाएं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉन्टैक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, सलूस डायग्नोस्टिक सेंटर, बिसेट्स डी मार्ट, हैदरगुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7989376363। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।